ये है कडिया ड्रो। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार वर्ल्ड्स थर्ड ग्रेटेस्ट टूरिस्ट प्लेस। और फिर हम चले कच्छ के हाईएस्ट पॉइंट कालो डोंगर की तरफ, पहले कार और फिर कैमल, और यहां से दिखता है आपको द ग्रेट रन ऑफ कच्छ और पाकिस्तान बॉर्डर, और फिर आप खो जाते हैं यहाँ के जबरदस्त व्यू में। और पास ही है मैग्नेटिक हिल, जहां पहाड़ की चढ़ाई में गाड़ी लुढ़कती है। इसी सीरीज के ये तीन वीडियोस देखना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज हमारे दूसरे दिन के स्टे में हम चले कडिया ड्रो, पहले प्राइवेट व्हीकल और आखिरी के 5 किलोमीटर लोकल जीप राइड। और देखिए यहाँ के मिट्टी में कैसे नमक है, और ये जीप राइड काफी बम्पी। और फिर हमारे सामने था बहुत खूबसूरत द ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया, कालिया ड्रो। पानी के बहाव और कटाव से करोड़ों साल बाद प्राकृतिक संरचना से पत्थरों पर शिल्पकारी का निर्माण हुआ है। और सन 2021 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने विश्व के टॉप 52 लायक पर्यटक स्थलों में इसे तीसरे नंबर पर रखा है। कडिया ड्रो में विभिन्न प्रकार की रंग बिरंगी चट्टाने और चट्टानों पर विविध रंग बिरंगे पत्थर, छोटे बड़े बहते झरने, छोटे छोटे तालाब, चारों ओर हरियाली इस क्षेत्र को चार चांद लगाती है। एक सुंदर सा पानी का झरना, इस झरने में पानी को गिरने की कोई हड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल नजाकत से गिरती है। कुल मिला के कडिया ड्रो कुदरत के कलाकारी का बेजोड़ नमूना है। रन उत्सव के समय कई लोग इधर नहीं आते, विशेषकर टेंट सिटी वाले, आप समय निकाल के यहाँ जरूर आइए। यहाँ से हम चलेंगे बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर पर कालो डोंगर के तरफ। कालो डोंगर पहाड़ी से जो इंडिया ब्रिज दिखाई देती है, सीधे हम वहीं चलेंगे। यह है लास्ट सिविलियन पॉइंट, इसके बाद बीएसएफ का एरिया शुरू हो जाता है। यहाँ से नियरेस्ट सिटी इंडिया का भुज नहीं है, बल्कि वो है पाकिस्तान के सिंध जिले का हैदराबाद। ।1971 के भारत पाक युद्ध में यहाँ के सभी ब्रिज ध्वस्त हो गए, सिर्फ ये बचा हुआ है। यहाँ पास ही स्थित है मैग्नेटिक हिल, आप खुद ही देख लीजिए इस तरफ से जो रास्ता गई है नीचे,
वाकई नीचे ढलान की तरफ गई है और इसी ढलान में नीचे जाके हमारी गाड़ी को इंजन बंद करके ऊपर लाया जाएगा। हमारा ड्राइवर साहब दिखा रहे हैं कि उन्होंने इंजन बंद की हुई है और देखिए ये गाड़ी खुद ब खुद कैसे ऊपर पहाड़ की तरफ चली जा रही है। कहा जाता है ये कोई मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं है बल्कि एक ऑप्टिकल इल्यूशन है, ढलान एक्चुअली चढ़ाई है। पता नहीं क्यों हम तीनों को भी यही ऑप्टिकल इल्यूशन हो गया था। और यहाँ से पास ही है कच्छ का हाईएस्ट पॉइंट कालो डूंगर। अगर आप टेंट सिटी में ठहरे हैं तो आपका बस आपको यहीं उतार देगा और यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर आपको पैदल ऊपर पहाड़ में जाना पड़ेगा। हम टेंट सिटी में नहीं ठहरे थे इसलिए हमको ये कष्ट नहीं करना है। सामने रहा प्राइवेट टैक्सी का पार्किंग एरिया, यहाँ से आप पैदल या ऊंट सवारी कर सकते हैं। अब यहाँ पे कई ऊंट है, ये जो पहला ऊंट है इसने हमें देख के अपना सर ऊपर कर लिया, शायद उसे हम पसंद नहीं, और ये अगला ऊंट कोई भाव नहीं दे रहा है, और ये तीसरा ऊंट अपना गोल गोल आंख करके हमें देखा मगर रेस्पॉन्स कुछ भी नहीं, और ये चौथा ऊंट का तो मुंह बायां हो गया, और ये पांचवा ऊंट इसने मुंह खोल के शायद हमें वेलकम किया। तो ऊंट पे चढ़ने के पहले यहाँ का ट्रेडिशनल हेड गियर किराए पे हमने ले लिया और फिर शुरू किया हमारा ऊंट का सवारी, 100 रुपया प्रति व्यक्ति। यहाँ कच्छ लोगों का पहनावा पाकिस्तानी जैसा होता है। अगर आपको कमर में दर्द वगैरह की शिकायत रहती है तो ऐसी ऊंट सवारी से आप बचें, आपको बिल्कुल ऐसी वाली फीलिंग आएगी। और सामने दिख रहा है द वेरी फेमस दत्त मंदिर। कहा जाता है इस 400 साल पुराने मंदिर में सियार आते थे खिचड़ी खाने के लिए। फाइनली हमारी ऊंट की सवारी पहुंच गई यहाँ के मार्केट एरिया में। यहाँ की इस छोटी सी मार्केट में आपको कुछ हैंडीक्राफ्ट्स की सामग्री मिल जाएगी। चूंकि धूप काफी है इसलिए खरीदारी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे गन्ने का जूस पी लिया जाए। यहाँ से सबसे पहले मंदिर में भगवान का दर्शन। ये 400 साल पुराने मंदिर में भोग में खिचड़ी परोसा जाता था और उसे खाने के लिए सियार भी आते थे। यहाँ से और कुछ सीढ़ी ऊपर और हम पहुंचे कच्छ का हाईएस्ट पॉइंट 450 मीटर सी लेवल के ऊपर, और यहाँ पे सभी फोटो लेने में बिजी, कोई बड़ा कैमरा, कोई छोटा कैमरा, कोई मोबाइल, और तो और कोई ड्रोन भी, मगर यहाँ पे ड्रोन उड़ाना मना है क्योंकि सामने पाकिस्तान बॉर्डर है। किसी ने ड्रोन उड़ाया है और उसे नीचे उतारने का हुक्म जारी। हेलो, ड्रोन नीचे उतारो, ड्रोन नीचे उतारो, हमने भी ड्रोन वगैरह का चक्कर नहीं पाला और सीधे टेलीस्कोप से देखना शुरू किए इंडिया ब्रिज, और ये रहा उसका व्यू, इंडिया ब्रिज और साथ में एक मंदिर भी। ये बंदा प्री वेडिंग वीडियो में कितना खुश हो रहा है, बाद में ये भी गोल गोल घूमेगा। जोक सपाट, कालो डूंगर चूंकि कच्छ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है तो यहाँ से द ग्रेट रन ऑफ कच्छ का एक बड़ा ही प्रियंगम दृश्य दिखता है। प्रकृति का बड़ा ही खूबसूरत जगह है ये, और शाम को सनसेट यहां से बड़ा लाजवाब।